आप लोग। आज की चिंता हानी में मैं बना रही हूँ मज़ेदार से सीख कबाब, जिसकी मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, मैसेजेस किए थे, तो उन सब के लिए और आप लोगों के लिए हाजिर है सीख कबाब की रेसिपी। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सीख कबाब के लिए मैंने बारीक कीमा लिया है, आप दो बार मशीन में मैंने इसे घुमाया है, तो आप थोड़ा बारीक कीमा लें क्योंकि इससे कबाब आपके अच्छे बनेंगे। मोटा कीमा होगा तो आपके कबाब अच्छे से सीख पर लगेंगे भी नहीं और वो अंदर से कच्चे भी रह सकते हैं। मसाले जो हमें चाहिए, जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे हम यहाँ पर 1 टेबल स्पून, कुटी हुई हरी मिर्च हम डालेंगे 1.5 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे हम 1.5 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे हम 1 टेबल स्पून। ये मेरे पास कच्चा पपैया है जिसे मैंने पीसा हुआ है, आप कच्चा पपैया डालें या फिर आप कच्ची पाउडर डालें, दोनों ऑप्शन है आपके पास। लेकिन अगर आप पपैया डालते हैं तो आप इसको पीस कर और अच्छे से, मतलब इसे बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, देखिए इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। अगर आपका पानी वाला पपैया है पीसा हुआ तो आप उसके पानी को छान लें। अदरक लहसुन भी आपका बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, वाटरी सा नहीं होना चाहिए। 4 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर बेसन लिया है, 1 टी स्पून गरम मसाला लिया है मैंने, 2 टेबल स्पून मैंने सीख कबाब मसाला लिया है जो रेडीमेड आता है मार्केट का, शान कर लिया है मैंने, आप जो चाहें ले लें। 4 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने लाल प्याज लिए, इसे मैंने ग्राइंड कर लिया है। 1 टेबल स्पून मैं यहाँ पर घी डालूंगी, आप घी या तेल कुछ भी डाल लें, ये सिर्फ इसलिए डालना है हमें ताकि जब हम कबाब बनाएं तो कबाब हमारे हाथों में चिपके ना। नमक है हसबे जायका, आप नमक डालिएगा। अब हम कीमे में ये सारा मसाला डालेंगे, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसकी मिक्सिंग किस तरह से करनी है। अब हम इसे मिक्स करेंगे, इसे हमें बहुत अच्छे से 10 से 15 मिनट तक इस तरह से मिक्सिंग करनी है। अगर आपको हाथ की बर्निंग का प्रॉब्लम, अगर आपको मिर्चों की बर्निंग का प्रॉब्लम है तो आप ग्लव्स पहन सकते हैं। जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं बस बिल्कुल उसी तरह से हमने इसे गूंथना है बहुत अच्छे से 10 से 15 मिनट तक, ताकि इसमें अच्छे से सारा मसाला जो है वो मिक्स हो जाए। अगर आपका मसाला अच्छे से मिक्स किया हुआ होगा तो आपके कबाब बहुत बेहतरीन बनेंगे। एक घंटे के लिए हम इसे मैरिनेट करेंगे मिक्स करने के बाद, क्योंकि हमने इसमें पपैया डाला हुआ है तो एक घंटे में मैरिनेशन अच्छे से हो जाएगी। अगर आपका पपैया आपको नहीं मिलता है तो मैंने पहले ही बताया कि आप कच्ची पाउडर यूज़ कर सकते हैं, कच्ची पाउडर आप 1 टी स्पून डालेंगे और तब भी आप एक घंटे के लिए रखेंगे, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 घंटे मैरिनेट कर लें। इससे ज़्यादा आप अगर मैरिनेट करेंगे इसको तो फिर हो सकता है फ्राइंग में आपके कबाब टूटने लग जाएँ क्योंकि वो ज़्यादा गल जाएंगे, तो बेहतर है कि आप इसे 1-1.5 घंटा बस मैरिनेट करें, इनफ है इतना। देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से मैंने मसाला इसमें मिक्स कर दिया है, अब मैं इसे 1 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। 1 घंटे के बाद फिर हम दोबारा मिलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 1 घंटा हो गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कोयले का दाग देंगे, कोयला नहीं था मेरे पास इसलिए मैंने नहीं दिया है। आप एक छोटी सी स्टील की प्याली कीमे पर रख दें, कोयला आप गैस पर सुर्ख कर लें और इसके बाद प्याली पर रख कर 2-3 ड्रॉप आप ऑयल डाल दें और ढक कर रख दें 5 से 10 मिनट के लिए, तो आपके कीमे में अच्छा सा बारबेक्यू का फ्लेवर आ जाएगा। इस तरह से मैंने कबाब बनाना शुरू कर दिया है। अब मैं एक और कबाब बना के आपको दिखाती हूँ। ये स्ट्रॉ है मेरे पास, इसको मैंने इस तरह से फॉइल रैप कर दिया है ताकि इजीली मैं इसमें कबाब लगा सकूँ। इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा से कबाब को अब थोड़ा सा मुट्ठी में लेके, मसाला लेके कबाब का, और फिर इस तरह से आप इसको भर सकते हैं आसानी के साथ, जितना भी लंबा आपको कबाब बनाना हो, जिस भी शेप का, छोटे बनाने हो, बड़े बनाने हो, जैसे भी बनाने हो आपको, आप इजीली ये बनना शुरू हो जाएंगे। ये सिर्फ इसलिए है कि हमारा कीमा बहुत बारीक पिसा हुआ था और प्लस ये कि इसमें पानी नहीं था, अगर पानी होता तो फिर कबाब इतने अच्छे नहीं बनते।
देखें फ्रेंड, देख रहे हैं आप, बहुत आराम के साथ इसको यूँ निकालें। एक और कबाब बना के आपको मैं दिखाती हूँ। बिल्कुल भी इसमें मुश्किल नहीं होती है, इजीली इसमें कबाब बन जाते हैं, अच्छे से इसकी बाइंडिंग हुई भी होगी तो फिर ये बिल्कुल टूटेंगे भी नहीं, फ्राई करते वक्त भी नहीं टूटेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सब जगह से ये बिल्कुल इक्वल है, ना कहीं से मोटा है ना कहीं से पतला है। बहुत आराम से इसको आप इस तरह से खींच के निकालें। अब इसी तरह से मैं सारे कबाब बना लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे कबाब बना लिए हैं और अब मैं इसको फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, कबाब मुझे जिस पैन में फ्राई करने हैं उस पैन को मैंने 10 मिनट पहले ही फ्लेम पर प्री हीट होने के लिए रख दिया था। अगर आप पैन को 5 मिनट के लिए पहले प्री हीट पर रख देंगे और उसके बाद आप इसमें ऑयल डालेंगे और फिर कबाब है या जो भी चीज़ आपको फ्राई करनी है वो डालेंगे तो वो नीचे चिपकेगी नहीं, और जब वो नीचे नहीं चिपकेगी तो जाहिर है वो टूटेगी भी नहीं। तो अब मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल थोड़ा सा गर्म होते ही मैं इसमें कबाब डालूंगी। देखिए फ्रेंड्स, कबाब मैंने डाल दिए हैं इसमें और ये फ्राई हो रहे हैं। एक मिनट हम इसे फ्राई करेंगे और फिर इसके बाद हम इसे साइड चेंज कर देंगे। इसे हमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी। मीडियम लो फ्लेम में हम इसे फ्राई कर रहे हैं। फ्रेंड्स, कबाब हमारे होने ही वाले हैं। अब मैं आपको जल्दी से पराठे के साथ सर्व करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, मज़ेदार से हमारे सीख कबाब रेडी है बिल्कुल खाने के लिए। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और प्लीज़ कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर मुझे दें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।